कांग्रेस नेता बीतका बावरी की हत्या को लेकर पूरे भुरकुंडा में सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों ने पुलिस प्रशासन का जमकर विरोध किया है। इसे लेकर आज भी कई लोगों को सड़क जाम करते देखा गया है। सड़क जाम की प्रक्रिया कल रात से ही चालू है। बताया जा रहा है कि सौंदा स्थित पेट्रोल पंप के पास लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। महिलाएं बैठी हुई हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। आपको बता दें कि शनिवार की शाम इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि विधायक जो अंबा प्रसाद कांग्रेस के नेता हैं और किस तरह से वर्तमान प्रशासन विधायक अंबा विरोध दर्ज करा रही है और काटने का काम कर रही है। देखना यह है कि गोली मारकर हत्या के विरोध प्रदर्शन के बाद बताया जा रहा है शासन कौन सा रवैया से 8 गोलियां मारी गई हैं कितना दबाव और इसे लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ। हम लगभग रात 8 बजे के आसपास में बीतका बावरी की हत्या हत्यारों ने कर दी, जिसमें देखा जा रहा है कि अभी पूरे रोड जाम है। पतरातू से रांची जाने वाले एक भी गाड़ी इधर से उधर नहीं जा रही है और रोड जाम है, जिसमें रात में ही विधायिका अंबा प्रसाद आई और परिजनों को सांत्वना दी और जिसमें पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू ने बोला कि प्रशासन की पूरी तरह विफलता है और देखा जाए कि कोयला का कारोबारी गंदे तरह से चल रही है यहाँ पर, जिसमें एसपी डीएसपी की सारा इसमें मिली भगत है जो कहना है इनका योगेंद्र साहू का। और अभी तक मृतक शरीर का पोस्टमार्टम भी नहीं हुई है, जिसमें रोड जाम किया हुआ है वीरेंद्र कुमार पतरातू रामगढ़। मामला कल करीब तो 7:30-8 बजे रात में एक कांग्रेस नेता बीतका बावरी को किसी अज्ञात अपराधी ने गोली मार के हत्या कर दी। इसकी सूचना पर हम लोग पहुंचे और छानबीन कर रहे हैं और हम भरोसा दिलाते हैं कि बहुत जल्द हम इसका उद्भेदन करेंगे और यहाँ के जो उद्भेदन करके हम लोगों को बताएंगे।